अगर आप सिंपल 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी दी गई, यानी भारत के किसी भी राज्य से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। रेलवे टीसी रिक्रूटमेंट 2022 वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखिएगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। इस भर्ती का शॉर्ट नोटिस भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो इंडियन रेलवे की ओर से नई भर्ती का नोटिस जारी हुआ है। इस भर्ती में भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आपको इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी दी गई है। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले सकते हैं और आपको जो वैकेंसी दी गई है 2450 प्लस आपको यहाँ पर वैकेंसी प्रोवाइड की गई है। इस भर्ती में आपको जो अपना आवेदन फिल करना होगा केवल और केवल ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर अपना आवेदन फिल करना होगा। इस भर्ती का आवेदन कब से कब तक आपको यहाँ पर करना होगा, कितने यहाँ पर आपके हाइट होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, कैसे आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा, सभी जानकारी आपको स्टूडियो में दी जाएगी। तो हो सके तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मैंने तभी लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट और उसका नेम रहेगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि RRB की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती में आपको जो नंबर ऑफ वैकेंसी मिलेगी 2500 प्लस आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई। टोटल जो पोस्ट नेम होगा, टोटल आपको यहाँ पर दो प्रकार की वैकेंसी दी गई है। TSC यानी टिकट क्लर्क के लिए होगा और ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। इस भर्ती का जो अप्लाई मोड होगा, ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर केवल और केवल इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। हु कैन अप्लाई, तो भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर जॉब करेंगे ऑल ओवर इंडिया, यानी कि पूरे भारत में वो कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आपको जहाँ पर पे स्केल होगा, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 21,700 लेकर 80,000 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल लेगा, यानी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी भी दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, यानी कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक फीस पे करनी होती है। जनरल OBC UR के लिए 500 रुपये पर कैंडिडेट आपको यहाँ पे करना होगा। SST फीमेल के लिए 250 रुपये पर कैंडिडेट आपको यहाँ पे करना होगा। और आपको जो फीस पे करनी है, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग द्वारा आप यहाँ पर इसको पे भी कर पाएंगे। इस भर्ती का जो एज लिमिट रहेगा वो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। अगर आपकी एज 18 ईयर से लेकर 35 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। OBC वालों के लिए 18 ईयर से लेकर 38 ईयर, SST कैंडिडेट के लिए 18 ईयर से लेकर 40 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो एज काउंट की जाएगी 1 दिसंबर 2021 तक की जाएगी, यानी कि 1 दिसंबर को आपकी जिन्हें 18 से कम हो या 35 से ज़्यादा हो, यानी कि आपको जो छूट दी गई है, SST वालों को 5 ईयर की दी गई है, OBC वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट आपको दी गई है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती फिजिकल डिटेल यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, यानी कोई हाइट, कोई वेट, कोई दौड़ आपके यहाँ पर इस भर्ती में नहीं होगी, यानी कि रनिंग टेस्ट भी आपका इस भर्ती में नहीं होगा। इस भर्ती का अगर आप हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं, आपको यहाँ पर क्लिक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी प्रोवाइड की गई है। ऑनलाइन मोड से आवेदन करने के लिए आपके पास इन डॉक्यूमेंट की जीरोक्स प्लस इनकी जानकारी होना अनिवार्य है। फोटो सिग्नेचर, एजुकेशन डिटेल, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, पैन का, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए भाग ले सकते हैं। जब आपके पास फोटो होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड लाइट कलर का होना अनिवार्य है। जो इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले आपका यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद से मेडिकल एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। इस भर्ती का एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, अगर आपने सिंपल 10वीं 12वीं डिप्लोमा, ग्रेजुएशन डिग्री कुछ भी किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको नोटिफिकेशन में बताऊँ कौन सी वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होना अनिवार्य है। जो इस भर्ती की इंपॉर्टेंट डेट रहेगी उसकी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर दी गई है, नहीं तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँ किस डेट से आप यहाँ पर इस भर्ती के आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती का शॉर्ट नोटिस डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, यानी कि लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। और अगर हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इस भर्ती का न्यूज कटिंग डाउनलोड करने, जो कि यहाँ पर न्यूज में आ चुके हैं, ये वैकेंसीज पर क्लिक कर दें। न्यूज कटिंग जैसे भी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये वाला नोटिस आ जाएगा, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे।
2500 टीटी को रेल मंत्रालय की हरी झंडी, यानी कि 2500 वैकेंसी आपको यहाँ पर टोटल आने वाली है। इसमें आपको यहाँ पर सभी जानकारी प्रोवाइड की गई है, एक बार आप यहाँ पर इसको रीड कर सकते हैं, आपको यहाँ पर सभी जानकारी मिल जाएगी। और अभी तक यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं, जैसे ही होंगे तो मैं आपके लिए अलग स्टूडियो बना दूँ किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा। और इस भर्ती को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, आपको यहाँ पर मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे ही होगा आपको यहाँ पर लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। और इस भर्ती की इंपॉर्टेंट डेट रहेगी मार्च के फर्स्ट वीक में, यहाँ पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और अप्रैल तक आप यहाँ पर इस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन भी कर पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।